Hi everyone, this is Veronica. आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का नेचुरल वाटर टावर्स. अब देखेंगे कि ये नेचुरल वाटर टावर्स बेसिकली क्या हैं. ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. मेरे साथ वीडियो अपडेट्स और क्वेरीज के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. देखिए, अभी क्रिसमस पे हमारी बहुत बड़ी सेल चल रही है, फ्लैट 70% ऑफ, और ये वैलिड है 25 दिसंबर 2019 तक. और अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. अब देखिए, ये एग्ज़ाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है. कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है. इनफैक्ट ज्योग्राफी में भी यहाँ पे आपका जो आपका मेंस पेपर टू है, ज्योग्राफी जहाँ पे कवर होती है, वहाँ पे भी आपका ये टॉपिक आ सकता है. ऑब्जेक्टिव लेवल पर वाटर टावर सिस्टम क्या है आपको पता होना चाहिए. सब्जेक्टिव लेवल पर क्या इनिशिएटिव्स हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए जो हम ले रहे हैं. लेकिन आज के लेक्चर में एक तो हम वाटर टावर सिस्टम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम थोड़ा रिवाइज करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. बहुत डिटेल में तो इसके लिए हमें 2-3 लेक्चर चाहिए, लेकिन आपकी रिविजन हो जाए, ओके, उस हिसाब से हम ड्रेनेज सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे, भारत का ड्रेनेज सिस्टम. अब देखिए, जो इंडस रिवर है आपको पता, और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बहती हैं, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल वाटर टावर है. वाटर टावर बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे देशों को, ये जो देश हैं, इनको बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इन रिवर सिस्टम से मिल रहा है, हम इन पर डिपेंड करते हैं. लेकिन अब नेशनल ज्योग्राफी ने, ज्योग्राफिक का एक स्टडी है, वहाँ पे उन्होंने रिवील किया कि ये जो ट्राइब्यूटरीज हैं कहीं ना कहीं ये वल्नरेबल होती जा रही हैं. पानी कम हो रहा है या ज़्यादा मेल्ट हो रही हैं, इस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है. ओके, तो यहाँ पे मैप में मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये पूरा आपका इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ से ये फ्लो कर रही हैं, कौन कौन से देश से ओरिजिनेट हो रही हैं और फाइनली कहाँ पे जा रही हैं. ओके, अब हम बात करेंगे वाटर सिस्टम्स की. ये वाटर टावर सिस्टम अगर हम बोल रहे हैं तो ये वाटर टावर सिस्टम बेसिकली क्या है. अब देखिए, जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, वहाँ से पानी बर्फ़ों से पिघल के पानी नदियों में बहता है, और जितने आपके फिर ऊपर पहाड़ हैं, नीचे आपके लो लैंड्स हैं, लो लैंड्स को पानी कौन प्रोवाइड करता है, फ्रेश वाटर कौन देता है, पहाड़ों से आता है. और वही पानी फिर आगे लोग इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, फूड प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में वो पानी यूज़ किया जाता है. इनफैक्ट हमारे घर के जो छोटे काम होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, डोमेस्टिक नीड्स में भी वो पानी यूज़ होता है. लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अर्बन पॉपुलेशंस बढ़ती जा रही हैं, पॉपुलेशन ऑन अ होल इंक्रीज होती जा रही है, और पानी का कंजम्पशन भी जो है वो बढ़ता जा रहा है. तो ऑब्वियसली ये पानी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको नेचुरल वाटर टावर कहा जाता है. और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वाटर सिस्टम्स हैं. क्लाइमेट चेंज का असर होते हुए हमें इन पे नज़र आ रहा है, लेकिन जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो कभी हमारे लिए कम नहीं हो सकती. लेकिन जो इनकी वल्नरेबिलिटी है कि इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको हम ग्लोबल स्केल पे क्वांटिफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना फ़र्क इनको पड़ रहा है. अब देखो, इंडस का मैंने आपको मैप दिखाया फर्स्ट स्लाइड में, कि इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज. इंडस जो रिवर है ये हमारे लिए एशिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक वल्नरेबल टावर सिस्टम हो चुका है, इसको भी नुकसान हो रहा है. देखिए, इसके बाद भी कुछ एशिया के वाटर सिस्टम हैं, या फिर आप सेंट्रल एशिया की बात कर लें, जिन पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. सेंट्रल एशिया डिपेंड करता है, जैसे ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा है साउथ एशिया में. तो ओके, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दूँ मैप्स, लेकिन चलिए उससे पहले हम एक बार ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि देखो, इंडस तो है ही वल्नरेबल वाटर टावर एशिया में, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ये तारिम, देखो ये जो तारिम है वाटर सिस्टम जो है, या फिर अमूदरिया है, अमूदरिया आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा. अब बेसिकली मैप्स इतने अच्छे नहीं हैं यहाँ पे सेंट्रल एशिया में. देखिए, यहाँ पे ये आपका रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तो मैप में आप इसको लोकेट कर सकते हैं, उज्बेकिस्तान, ये आपका ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान. तो यहाँ पे अमूदरिया आप लोकेट कर सकते हैं सेंट्रल एशिया में, यहाँ पे सैर दरिया है. तो ये सब जो वाटर सिस्टम्स हैं सेंट्रल एशिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद ये आपका आ गया एक बहुत
मैप इतना क्लियर नहीं है, बट आप इसको अपने मैप में देख सकते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम। तो ये मैप में मैं आपको ये देखो आमो दरिया यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा, सैर दरिया। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ये बताने के लिए, जैसे इंडस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सेंट्रल एशिया में ये वाटर सिस्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको क्या कहा जाता है, नेचुरल वाटर टावर्स। तो हर जगह के अपने वाटर टावर्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वल्नरेबल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ रिलाइड अपॉन नेचुरल वाटर सिस्टम्स हैं डिफरेंट रीजन्स के, जो आपको मालूम होना चाहिए। थोड़े बहुत तो मैंने आपको दिखा दिए, ये एशिया वाले मैंने आपको मैप में दिखा दिए, इंडस दिखा दिया, तारिम दिखा दिया, आमू दरिया, सायर दरिया, गंगा ब्रह्मपुत्र हो गया। इसी तरह से यूरोप के आपको वाटर सिस्टम्स याद रखने हैं जो कि नेचुरल वाटर सिस्टम्स है, कैस्पियन सी है, ब्लैक नॉर्थ कोस्ट है, राइन है। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से, कोलंबिया, नॉर्थ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में, पैसिफिक, आर्टिक कोस्ट पे, साउथ अमेरिका में कौन से हैं। तो ये आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपको मालूम होने चाहिए कि ये बहुत ही रिलाइड अपॉन नेचुरल वाटर सिस्टम्स जो कि ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं। तो अब देखो इंडस बेसिन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन सारे वाटर टावर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, कि अगर आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो एशिया का इंडस बेसिन जो है, यहाँ पे हिमालयन जो काराकोरम है, हिंदू कुश है, लद्दाख रेंजेस है, उनकी तरफ से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टोरेज यूनिट है प्लैनेट का। इनफैक्ट प्लैनेट का जो पानी हम यूज़ करते हैं, जो यूज़फुल वाटर है, फ्रेश वाटर है, वो यहाँ से आता है। और ये जो पानी है ये हाई एलिवेशन से आ रहा है, रेन की वजह से आ रहा है या स्नो की वजह से आ रहा है, इससे हमारे लेक्स जो हैं वो फिल्ड अप रहते हैं, ग्लेशियर्स हैं। और ये 200 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, जो अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया और पाकिस्तान में है, ये उनको सर्व करता है। तो अगर क्लाइमेट चेंज से कोई फ़र्क इसको पड़ता है तो लोगों को उसका जो नुकसान है वो देखना पड़ेगा। ऑलरेडी आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने वाटर क्राइसिस पे भी बनाई हैं कि कितना पानी का क्राइसिस हो रहा है। ओके, तो ये हमने थोड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम्स की बात की कि कहाँ पे नेचुरल वाटर टावर्स हैं। अब मैंने आपको कहा था इस लेक्चर में मैं इंक्लूड करूँगी, ये आपका अभी तक करंट अफेयर का पोर्शन था। अब थोड़ा सा हम स्टैटिक पे भी जाएंगे क्योंकि स्टैटिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। अब देखो ये यहाँ पे आप इसको ये बेनिफिट में इंक्लूड कर सकते हो कि इंडस बेसिन किन लोगों को सर्व करता है। अब चलिए ड्रेनेज सिस्टम देखिए, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे और बड़े रिवर्स दोनों हैं। और ये रिवर सिस्टम्स कैसे बने हमारे, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि किस तरह से माउंटेंस बनी, किस तरह से प्लैट्यूज बने, लो लैंड्स बने, किस तरह से ये सारी मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स बनी। तो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि किस तरह से ये पूरे वाटर सिस्टम इवॉल्व हुए। डेफिनेटली यहाँ पे नेचर और जो कैरेक्टरिस्टिक है कि किस तरह की रेन रही है, किस तरह का टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, प्रेसिपिटेशन कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। और हमारे जो पूरे ये ड्रेनेज सिस्टम्स हैं ये तैयार हुए हैं एक लंबे समय में, सालों लग गए, सालों के हजारों लाखों साल, करोड़ों साल लग गए। ओके, फिर से इस लेक्चर के बारे में बता दूं, नेचुरल वाटर टावर्स के बारे में डिस्कस किया, वो करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ मैं ये ड्रेनेज सिस्टम इंक्लूड कर रही हूँ कि ब्रीफ में हम इसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे इस मैप में आपको, ये मैप मैंने www.mapsofindia.com से उठाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ड्रेनेज और रिवर बेसिन जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए जो क्लासिफिकेशन है ड्रेनेज सिस्टम की इंडिया में, पहले अगर हम इनको क्लासिफाई करें, फर्स्ट डिस्चार्ज ऑफ वाटर कि किस नदी का पानी कहाँ गिरता है, या तो वो आपकी अरेबियन सी में गिरता है या फिर वो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरता है, राइट। तो ड्रेनेज सिस्टम का ओरिएंटेशन किस सी की तरफ है, तो दो ही है इंडिया में, अरेबियन सी आपको याद रखना है और दूसरा बे ऑफ बंगाल। ये आपका इंडिया जितने रिवर्स हैं या तो इस तरफ गिरेंगे या तो वो इस तरफ गिरेंगे। और इन दोनों को कि जो रिवर्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं या जो रिवर्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो कर रहे हैं, ये सेपरेट कैसे हैं एक दूसरे से, दिल्ली रिज, ओके, दिल्ली की जो रिज है उसकी तरफ से सेपरेट होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अरावलीज हैं, ओके, अरावलीज की वजह से यहाँ पे ये सेपरेट होते हैं, या फिर जो आपकी सहयाद्रीज हैं, सहयाद्रीज, ओके, ये जो वाटर डिवाइड होता है जैसे मैप में आप देख सकते हैं, तो ये डिवीजन है, ये लाइन है जो इनको डिवाइड करती है। देखिए इंडिया में 77% ड्रेनेज एरिया जो है वो किसका बना हुआ है, आपका जो गंगा हो गई, ओके, उसके बाद ब्रह्मपुत्र हो गई,
महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, इस तरह के रिवर्स के साथ, और ये सारों का ओरिएंटेशन किस तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, और ये 77%, ओके, और उसके बाद जो 23% है, जिसमें आपकी क्या आ जाती है, आपकी इंडस आ जाती है, आपकी नर्मदा आ जाती है, तापी आ जाती है, उसके बाद माही आ जाती है, पेरियार आ जाती है, ये अरेबियन सी में गिरते हैं, ठीक है, ये आपकी तापी आ गई, ये आपकी नर्मदा आ गई, माही बेसिन आ गया, और जो आपके पेरियार सिस्टम्स हैं वो कहाँ पे गिरते हैं, अरेबियन सिस्टम में, और ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 23%, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो भी हैं ये सारे आपके कहाँ आते हैं, बे ऑफ बंगाल। तो आई होप ये आपको स्टैट्स याद रहना चाहिए, 77% इस तरफ और 23% इस तरफ। ये मैप के बिना आपको कभी नहीं समझना चाहिए, हमेशा रिवर्स को आप मैप्स के साथ देखिए कि गंगा की अगर बात हो रही है तो कौन सी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये चीज़ आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमने इसकी बात की, अब ये चीज़ मैंने आगे स्लाइड में लिखी है, यहाँ पे फिर से आप मैप में अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवीजन इनका किस तरह से है, अरावली सह्याद्रीज के, ये एनसीईआरटी से ये वाला मैप लिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये मैप पुराने हैं, यहाँ पे जो ये डिवीजन है, जो नई यूटी बन गई है वो यहाँ पे, वैसे भी ये फिजिकल मैप है तो हम उस चीज़ को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। एनीवे, अब देखते हैं अगले रिवर्स कौन से हैं हमारे इनलैंड ड्रेनेज के, जिनको हम एंडोरिक बेसिन बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ है, देखिए जब भी कोई रिवर सी में नहीं मिलता, सी में मिलने से पहले ही वो डिसअपीयर हो जाता है सैंड में, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इनलैंड ड्रेनेज। ओके, बहुत सारे रिवर्स हैं जो फाइनली लास्ट तक नहीं पहुंच पाते, तो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम्स जो हैं ये आपके एफिमरल स्ट्रीम्स हैं, यानी शॉर्ट लिव्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट लिव्ड रिवर्स। तो इसमें एग्जाम्पल्स किसकी आती है, जो आपका घगर रिवर है हरियाणा में, तो ये आपके एमसीक्यू के लिए और एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो घगर रिवर है कहाँ पे, हरियाणा में, और माना जाता है मिथोलॉजी के हिसाब से घगर रिवर क्या है, या घागर रिवर जैसे प्रोनाउंस कर लीजिए, ये हमारा एंशियंट सरस्वती रिवर है जो कि ड्राई सैंड में कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, जैसे ये हनुमानगढ़ राजस्थान में पहुंचता है, तो ये हमारा शॉर्ट लिव्ड रिवर है। उसके बाद आता है आपका लूनी रिवर, ये कहाँ पे है, राजस्थान में, ये अजमेर के पास से शुरू होता है, ओरिजिनेट होता है, और फिर ये जैसे जैसे थार डेजर्ट से फ्लो करता है और फिर रन ऑफ कच्छ में पहुँचते पहुँचते ये गायब हो जाता है सैंड्स में। ओके, तो ये आपके एंडोरिक बेसिन्स हैं। उसके बाद अक्साई चिन जो रीजन है लद्दाख का, वहाँ पे भी इस तरह के इनलैंड ड्रेनेजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन था, पहले हमने क्लासिफाई किया रिवर्स को कि कौन से आपके बे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं, कौन से आपके अरेबियन सी में जा रहे हैं, दूसरा इनलैंड ड्रेनेज की बात की। फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटरशेड, कि वाटरशेड का क्या साइज है, यहाँ पे साइज के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपके मेजर रिवर बेसिन्स आएंगे, मीडियम रिवर बेसिन्स आएंगे, माइनर रिवर बेसिन्स आएंगे। मेजर रिवर बेसिन्स क्या है, जो कि जिनका कैचमेंट एरिया आपका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया हो, यहाँ पे आपके 14 ड्रेनेज बेसिन्स आते हैं, जिसमें आपकी गंगा है, ओके, ब्रह्मपुत्रा है, कृष्णा है, तापी है, नर्मदा है, माही है, फिर साबरमती है, बराक है, ओके, और पेनार भी है, तो एट्सेट्रा और भी हैं, लेकिन अराउंड आपके 14 ड्रेनेज सिस्टम्स आते हैं। फिर आगे आपके मीडियम रिवर बेसिन्स, मीडियम रिवर बेसिन्स में कितना कैचमेंट एरिया है आपका, 2000 से 20,000 तक का स्क्वायर किलोमीटर, ओके, यहाँ पे हम स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपके 44 रिवर बेसिन्स आते हैं, जिसमें आपकी कुछ एग्जांपल्स मैं दे देती हूँ, कालिंदी रिवर आ गया, साथ साथ आप मैप में इसको देखें कालिंदी, क्योंकि मैं दिखाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा, फिर आप लोग ही पसंद नहीं करते, कालिंदी रिवर आ गया, पेरियार आ गया, और मेघना आ गया, ओके, तो ये आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर रिवर बेसिन्स हो गए, जिनका कैचमेंट एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है, तो यहाँ पे आपके 55 रिवर बेसिन्स आते हैं। ओके, तो ये हमने डिवाइड किया साइज ऑफ वाटरशेड पे। नेक्स्ट अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो मोड ऑफ ओरिजिन पे डिवाइड हो जाता है, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स
कैसे हैं उस पर डिवाइड होता है, तो आपका हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम आता है, आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम आता है. आप देखिए ये सबसे बड़े हैं डिस्कस करने के लिए, जिसको हम बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टैटिक का पार्ट है और हम करंट अफेयर के लेक्चर बना रहे हैं, लेकिन जस्ट आपका रिविजन हो जाए तो मैं आपको ये रिवाइज करा रही हूँ. हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, अब देखिए कोई भी यहाँ पे क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है कि ये दोनों जो सिस्टम्स हैं ड्रेनेज सिस्टम, ये आपस में अलग कैसे होते हैं. अब देखिए जितने आपके पेनिनसुलर रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स में आपके क्या आते हैं, जैसे चंबल आता है, बेतवा आता है, केन आता है, सोन आता है, ये बहुत इनकी जो ओल्ड माने जाते हैं, बहुत पुराने रिवर्स माने जाते हैं अगर हम इनको कंपेयर करें हिमालयन रिवर्स के साथ. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम हिमालयन को ड्रेनेज सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, या तो वो हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं या ट्रांस हिमालयन रीजन से होते हैं. तो तीन रिवर सिस्टम है, गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है. तीनों के मैप में आपको स्टार्टिंग में स्लाइड पे दिखा चुकी हूँ. और ये सारे रिवर्स में पानी कहाँ से आता है, जो स्नो आपकी मेल्ट होती है या फिर प्रेसिपिटेशन बारिश हो रही है रिवर सिस्टम में, तो ये पेरिनियल है, हमेशा यहाँ पे पानी रहता है क्योंकि इनको जो फीडिंग है, पानी कहाँ से आ रहा है, स्नो से भी आ रहा है और प्रेसिपिटेशन से भी आ रहा है, इसलिए ये पेरिनियल है. देखिए बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो हिमालयन रिवर्स को बनाते हैं, जैसे अपर रीचेस में ऊपर बहुत जाएंगे आप हाइट पे तो यूथफुल, इसको हम यूथफुल यंग रिवर्स बोला जाता है कि यूथफुल स्टेज में है. यहाँ पे आपको बहुत सारे गॉर्जेस दिखेंगे, वी शेप्ड वैलीज दिखेंगी, रैपिड्स हैं, वाटरफॉल्स हैं. प्लेन एरिया या मिडिल पार्ट में जब ये मैच्योर हो जाते हैं, जैसे जैसे ये प्लेन में एंटर करने लगते हैं, तो इनके डिपोजिशनल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, फ्लैट वैलीज दिखेंगी, फ्लड प्लेन्स दिखेंगे, और इनकी मियांड्रिंग टेंडेंसी भी होती है. इसको बोलते हैं मियांड्रिंग, ये आपको एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखे हुए मिलेंगे. मियांड्रिंग यानी जो इस तरीके से ऐसे ऐसे आपको नदी चलते हुए दिखती है, तो इसके मियांड्रिंग टेंडेंसी भी होता है और कई बार ये अपने रास्ते भी चेंज कर लेते हैं. अगर हम एवोल्यूशन की बात करें हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है कि हिमालयन रिवर कैसे इवॉल्व हुए. कुछ जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि एक माइटी रिवर था जिसका नाम था शिवालिक, ओके शिवालिक, या फिर उसको बोला जाता है इंडो ब्रह्मा. इंडो मतलब ये सारा असम से लेकर पंजाब तक फैला हुआ था, आगे सिंध तक जाता था और फाइनली गल्फ ऑफ सिंध में यहाँ इसका पानी आगे मर्ज हो जाता था लोअर पंजाब की तरफ. ये बात करते हैं हम मियोसीन पीरियड की. मियोसीन पीरियड यानी आज से 5 to 24 million years पहले. तो उसके एविडेंसेस भी मिलते हैं कि जो रिमार्केबल कॉन्टिन्यूटी है शिवालिक की, जो उसका ओरिजिन है, या एलुवियल डिपॉजिट्स हैं सैंड्स के, सिल्ट के, क्ले के, बोल्डर्स के, तो वो सब इन जगहों पे मिलते हैं. और फिर दूसरा क्या इसका ओपिनियन क्या बनाया जाता है कि जो इंडो ब्रह्मा रिवर था, फाइनली वो तीन मेन ड्रेनेज सिस्टम्स में बंट गया. पहले आ गया आपका यहाँ पे इंडस आ गया, फिर गंगा आ गया और ब्रह्मपुत्र आ गया. अब हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे और पेनिनसुलर, क्योंकि वो फिर से आपका बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा. तो यहाँ पे इस लेक्चर में हमने अभी तक बात की आपके वाटर टावर के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम को ऊपर ऊपर से देखा कि इंडिया में कैसा है जैसे हमने मैप में देखा, और इसके बाद हम बात करेंगे कि वाटर क्राइसिस पे आते हैं कि ओके ड्रेनेज सिस्टम ठीक है, लोगों को पानी मिल रहा है, लेकिन मेन बात यहाँ पे हो रही थी कि पानी के जो सोर्सेज हैं वो वल्नरेबल होते जा रहे हैं. और हमारे देश में हम देख रहे हैं कि हमने जो हमारे वाटर प्लानिंग फेलियर्स हैं, जो क्राइसिस है, उससे हमने कुछ ज़्यादा लेसन्स नहीं सीखे. देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जल शक्ति अभियान. ये एक टाइम बाउंड मिशन मोड वाटर कंजर्वेशन है कि पानी को कंजर्व करना एक कैंपेन है, जिसको दो फेसेस में कैरी आउट करना था. अराउंड 255 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए थे, लेकिन ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो जल शक्ति अभियान में इस कैंपेन में बोला कि फंड किया जाएगा प्रोग्राम को, लोगों की मूवमेंट रहेगी, जैसे बाकी की स्कीम आपकी एमजी नरेगा चल रही है, गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, उसके अंदर ये काम चलेगा. तो इस प्रोजेक्ट में, जल शक्ति अभियान में, ये लोग क्या कर रहे थे, टैंक्स बना रहे थे, पॉन्ड्स बना रहे थे, ताकि रेन वाटर को कैप्चर किया जाए. हम क्योंकि वाटर कंजर्वेशन की बात करें, रिचार्ज वेल्स बनाई जा रही थी, ग्राउंड वाटर बनाया जा रहा था. तो यहाँ पे जो प्लान था पूरे जल शक्ति अभियान का, बहुत ही साइंटिफिक
प्लान था, हाइड्रोलॉजिकल यूनिट्स बन रही थी, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम उनसे ज़्यादा नहीं सीख रहे क्योंकि हमारी प्लानिंग जो है वो साइंटिफिक ही होनी चाहिए हमेशा, कि आप एक प्रॉपर हाइड्रोलॉजिकल यूनिट्स जो हैं वो बनाइए। वाटर प्लानिंग जो है हाइड्रोलॉजिकल यूनिट्स के हिसाब से होनी चाहिए, जैसे आपके रिवर बेसिन हैं। हाइड्रोलॉजिकल यूनिट का मतलब है कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स की वो सेम नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट इंडिया की बोल रही है कि नहीं नहीं ये पानी हमारा है, क्योंकि पानी सबका है। तो जो बाउंड्रीज हैं हाइड्रोलॉजिकल यूनिट की वो कोइंसाइड नहीं करनी चाहिए आपकी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के साथ। उसके बाद जैसे आपके जेएसए जल शक्ति अभियान के यूनिट्स थे, इनको डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज के साथ प्लान किया गया ताकि हम काम जो सुपरविजन है वो ब्यूरोक्रेट के सुपरविजन में हो सके। तो इस वजह से क्या नुकसान हुआ कि जितने आपके बेसिन्स थे या एक्वीफर्स थे वो मल्टीपल यूनिट्स में बट गए, जिससे मल्टीपल पॉलिसीज बनने लग गई। और अगर हम डेटा की, यहाँ पे प्लानिंग के अंदर डेटा की बात करें, तो कोई भी डेटा ऐसा नहीं था जो बेसिन वाइज रेनफॉल पे था, कोई भी एनालिसिस रन ऑफ या ग्राउंड वाटर मैप्स पे नहीं किया गया, और वाटर स्ट्रेस्ड बेसिन्स पे भी जल शक्ति अभियान में इन्होंने कोई ज्यादा उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि वाटर स्ट्रेस, मोस्ट ऑफ द इंडिया के जो स्ट्रेस्ड बेसिन्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, वहाँ पे सप्लाई खत्म हो रही है पानी की। तो इन शॉर्ट मैं आपको यही बता रही हूँ कि चाहे हमने कुछ कंजर्वेशन प्लान्स शुरू किए लेकिन हम लेसन्स नहीं ले पा रहे हैं। तो हमको यहाँ पे वे फॉरवर्ड की बात करनी चाहिए कि जो वाटर क्राइसिस इंडिया में इतना है, हमें उसे ठीक करना है। वाटर को कैसे एग्रीकल्चर में सफिशेंटली यूज़ करें, या इंसेंटिव बेस्ड वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके। जो टेक्निक्स हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इनको हम यूज़ तो करें लेकिन साइंटिफिकली यूज़ करें। जो करंट स्टेटस है, जो लिमिटेशंस हैं डेटा की, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तभी हम वाटर कंजर्वेशन की तरफ भारत में जा सकते। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे हम शुरू किया हमने नेचुरल वाटर टावर से, थोड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम को डिस्कस किया, और ये देखा कि हम कुछ लेसन्स नहीं सीख पा रहे हैं वाटर क्राइसिस को लेके, और वे फॉरवर्ड आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम वाटर कंजर्वेशन की तरफ काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नेचुरल वाटर सिस्टम्स भी जो हैं वो वल्नरेबल होते जा रहे हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Hi everyone, this is Veronica.